फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली मुंबई के स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच में जो ग्रीन और रेड कलर की चटनी यूज की जाती है उसकी रेसिपी। तो चलिए अभी फटाफट चलते हैं किचन में और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मुंबई के स्ट्रीट फूड में जो फेमस सैंडविच बनते हैं, जैसे ग्रिल सैंडविच है, टोस्ट सैंडविच, समोसा सैंडविच, पनीर सैंडविच, चीज सैंडविच, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सैंडविच बनते हैं जिसमें ग्रीन चटनी और रेड चटनी का ज्यादा करके यूज होता है। और वही जो चटनी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रेड चटनी और ग्रीन चटनी कैसे बनती है। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने पहले आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आज हम लोग बनाएंगे ग्रीन चटनी। और ग्रीन चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो इस प्रकार से, मैंने यहाँ पे ली है एक कटोरी धनिया जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और सुखा के लिया है। बाद में मैंने यहाँ पे लिया है आधा इंच अदरक, चार लहसुन की कलियाँ, तीन ग्रीन चिली। जो ग्रीन चिलीज है वो आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया एक लेमन जिसका मैं बाद में जूस निकाल के लेने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे लिया हाफ टी स्पून जीरा जिसको मैंने भूना नहीं है, ये कच्चा जीरा है जिसका स्वाद चटनी में बहुत अच्छा आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो स्ट्रीट फूड में जो सैंडविच के लिए चटनी बनती है उसमें स्पेशली वो लोग एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं और वो है ब्रेड, जिससे हमारी जो चटनी है उसका टेक्सचर और जो कलर है वो एज इट इज और फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार और जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं मिक्सी के जार में डाल के अभी एक बार पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो चटनी है वो बनके रेडी हो गई है। तो अभी इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक और इसको एक बार वापस से मिक्सी में पीस ली। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो ग्रीन चटनी है वो बनके रेडी हो चुकी है। अभी हम लोग इसे सैंडविच में या फिर जो हम लोग पोटैटो वड़ा बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए सैंडविच के लिए जो ग्रीन चटनी लगती है वो तो बनके रेडी है। तो अभी सैंडविच के लिए हम लोग सेकेंड चटनी जो बनाने वाले हैं रेड कलर की, वो चटनी कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए अभी जो रेड चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ग्रीन चटनी थी सैंडविच के लिए वो बनके रेडी हो गई है। तो अभी हम लोग सैंडविच के जो रेड चटनी बनाई जाती है वो देखते हैं। ये एक्चुअली सिंपल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रेड चटनी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो है रेड चिलीज। मैंने यहाँ पे जो रेड चिलीज ली है वो इस प्रकार से, जो हमारी सूखी वाली जो रेड चटनी आती है वो एक्चुअली ली है, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए गर्म पानी में बॉईल करके लिया था। अभी ये ठंडी हो चुकी है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है अदरक, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, कुछ लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पे मैंने लिया है ये लेमन जूस। और वापस से मैंने जैसे ग्रीन चटनी के लिए यहाँ पे ब्रेड यूज़ किया था, वैसे रेड चटनी के लिए भी मैं यहाँ पे एक ब्रेड के स्लाइस यूज़ करी। तो चलिए अभी ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया मिक्सी का जार, अभी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम लोग मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी और अभी इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं। ये जो रेड चटनी है वो मैंने अच्छे से पीस ली है। अभी इसमें हम लोग ऐड करते हैं नमक। नमक आप स्वादानुसार ऐड कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना। और इसको एक बार हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो स्ट्रीट साइड सैंडविच के लिए जो रेड कलर की चटनी यूज की जाती है वो भी अभी बनके रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो रेड चटनी और ग्रीन चटनी बनके रेडी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो रेसिपी है वो अच्छी लगी होगी। तो आप भी इसे घर पे बनाइए क्योंकि ये सिंपल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और
इस रेसिपी को बनाने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली इसी चटनी को यूज करके जो स्ट्रीट साइड में जो चीज टोस्ट सैंडविच बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।